अभी देखो भाई इतना खत बहुत जोर से इसको चोट लगा अभी चोट। हेलो जी गाइस, गुड मॉर्निंग। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी सुबह करीबन 7 बज रहे हैं, अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी ब्लॉग का स्टार्टिंग होता है गुलगुल के वॉक से। तो अभी देखो यहाँ पर घर बन रहा है ना, तो क्या बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो क्या क्या है इसका अंदर यहाँ पर लेकर आया हूँ वॉक के लिए, जैसे यहाँ पर खुला छोड़ दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, और बाहर छोड़ता हूँ तो क्या हो जाता है ना, रोड के किनारे पे मेरे घर है। तो क्या करती है गुलगुल, गलती से रोड पे चली जाती है, तो उससे क्या हो जाता है भाई, रिक्स हो जाता है, कहीं कुछ हो ना जाए, तो इसीलिए इधर ला। अभी देखो इतना सा स्पेस है ना, तो यहीं पर इनको इसको रनिंग करवा रहा हूँ अभी। चलो गुलगुल, क्योंकि भाई डॉग के लिए ना वॉक होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका हेल्थ अच्छा हो, उसका ग्रोथ अच्छा हो। देखो कितना, अगर उसका अच्छे से वॉक कराओगे कभी उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा हेल्थ से रिलेटेड। देखो तो पहले गुलगुल को लेकर आया था, अब लियो को भी लेकर आ गया हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा स्पेस है ना, तो देखो इनके रनिंग के लिए अच्छा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लियो इधर आ, इधर आ। तो बहुत ज़्यादा जगह है इस अंदर इनका रनिंग के लिए। देखो लड़ाई भी किस तरह से कर रहे हैं। देखो लड़ाई करते रहते हैं दोनों इसी तरह से। इतना ज्यादा मस्ती करते, पूरे दिन इसी तरह से लड़ाई करते हैं दोनों के दोनों। और लड़ाई नहीं, इनका एक खेलने का तरीका भी है इसी तरह से। देखो भाई कैसे लड़ रहे हैं दोनों के दोनों, तब से लड़े रहे आज लड़े जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, फिर थोड़ा वे आराम कर रहे हैं, फिर लड़ रहे हैं भाई रेस्ट करने के बाद। देखो अभी थक गई गुलगुल भी, अब तक फिर से लड़ाई इनका स्टार्ट। देखो अभी देखो भाई इतना खतरनाक, देखो इतना ज़्यादा भाई, देख रहे हो आज क्या है, गुलगुल भाग रही है, लियो भी उसके पीछे है। बाकी दिन क्या होता है, लियो लियो आगे भागती है, गुलगुल पीछे रहती है भाई, तो आज उसका उल्टा हो रहा है। देखो ये थक चुकी है, तो यार अभी दिक्कत हो गया। क्या हुआ ना, गुलगुल दोनों भाग रहे थे एक दूसरे, तो गुलगुल जैसे मतलब पीछे से लियो आई, धक्का मारी जोर से, यहाँ पर आके लग गए भाई। देखो भाई बहुत ज़ोर से भी चिल्ला रही थी, मैंने वीडियो शूट नहीं किया, बंद था मेरा कैमरा। देखो भाई बहुत ज़ोर से उसको चोट लगा, अभी चोट बोले तो अंदर वाला चोट, बाहर से नहीं, ऐसा नहीं कि ब्लड आ रहा हो, अंदर बहुत ज़ोर से चोट लगा है अभी गुलगुल को, इसी जगह पर सो गई। गिलियो नहीं, तो भाई चलने का तरीका ही बदल लिया इसने, क्योंकि बहुत ज़ोर से लगा था, क्योंकि भाई लियो बड़ी है। और ये क्या किया ना, पीछे पीछे भागी और उसको ज़ोर से धक्का मार के पीछे टकरा गई दीवार से, उस खंभे से, तो बहुत ज़ोर से लगा है अभी इसे। और ये इसे जैसे एक साथ रखता हूँ ना तब भी होता है, ये एक दूसरे को इतना ज़ोर से ये लड़ाई करते हैं कि भाई खेलते हैं, इसमें इनको कभी कभी बहुत ज़्यादा चोट भी आ जाता है। और जैसे कि अभी आया आप लोगों ने देखा, वीडियो में नहीं देखा, मैंने दिखाया, दिखाई नहीं मिट्टी नहीं, कल ही इसको नहलाया है, फिर से मिट्टी मिट्टी हो जाएगी।
देखो भाई पूरा इसका हालत ख़राब कर दिया गुलगुल का। ऐसे गुलगुल सबसे ज़्यादा शरारती है। क्या हुआ गुलगुल? देखो भाई शांत हो गई क्योंकि बहुत ज़ोर से लगा था। अरे इसको देखो एक तो इनका मस्ती के चक्कर में गुलगुल को लग गया। तो चलो यार लेके जाता हूँ, अब रेस्ट करवाता हूँ, बहुत हो गया इनके लिए। अभी पूरा बॉडी में मिट्टी लग गया इनका दोनों के। और ये मैं आदत भी डालता हूँ, इससे क्या होता है ना इनको कोई भी कभी भी एलर्जी नहीं होता है। जैसे बहुत सारे डॉग का क्या होता है अचानक से अगर उनको मिट्टी पर लेके जाया जाए, नदी पर लेके जाए, मतलब अगर दूसरा जगह लेके जाए ना, जैसे कि घर से बाहर, जैसे कि मिट्टी पे, पानी पे, तो क्या होता है उनको एनर्जी होने लगता है। या फिर जंगल पे लेके जाओ ना, बहुत सारे डॉग को एलर्जी होता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इनको बचपन से आदत डाल देता हूँ भाई। जैसे कि लियो को मैं हमेशा जंगल से पानी में ऐसे लेके जाता हूँ, तो इससे कोई भी आज तक प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और गुलगुल को भी मैं ऐसे इस तरह से कर रहा हूँ जितने दिन है अभी मेरे पास, ताकि इसे कभी भी कोई किसी चीज़ से प्रॉब्लम ना हो। अचानक से अगर आप भी लेके जाओगे अपने डॉग को, देखोगे मिट्टी के साथ एलर्जी भी हो जाता है, या फिर जंगल पे ले जाओगे उसे भी कुछ एलर्जी हो जाता है। तो अभी इनका आदत है तो इनको कुछ नहीं होता है, लियो को भी नहीं होता है।